like to ask you, definitely knowledge supersedes marks. But do you think that marks do not have any importance in an individual's life? No, definitely marks are important. Why? Because see, when you go for an interview, the interviewer doesn't know you have knowledge. In 5 minutes, no one can assess your full potential. But then the marks reflected in your CV is going to show what kind of person you are. If you've scored 90%, that somewhere shows that you are an honest, you are dedicated, and you are competent. And this is what they are going to check with your marks. They are not going to check how much knowledgeable you are. They are going to see if you have the potential to learn. Are you eager to learn? See, you always need to keep your mental elbow on. When we drive and when we are learning to drive, there's this elbow sign, okay? Now, what that L shows, that the learner, the driver sitting inside the car, he's learning how to drive. So you as students at this point need to keep your mental elbow on. Obviously, whenever you are reading something new, just try to look at it from a different perspective. Marks do play a very important role, and you need to do smart work. That is very important. See, hard work is good. Smart work is better. Why? Kai log sochte smart work is shortcut. No. Smart work is smartly designed hard work. Aapko aise hard work karna hai jispe outcome sahi aaye. I have seen a lot of students jo net mein bar bar fail hote hain. And they come to me and they say, ma'am, humare itte marks aaye. Kahan galti hui aap bataiye. Ab, this is a very difficult situation for a teacher. Aapke marks aapne mujhe bata diya. Aapne ye nahi bataya. Aapne kis answer ka kya, kis question ka kya answer diya. कहाँ पे आपने गलतियाँ करी, क्या टॉपिक्स आपने छोड़े. वी आर टीचर्स, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ हिप्नोसिस. वी कैन नॉट हिप्नोटाइज यू एंड वी कैन टेल यू कि आपने गलतियाँ कहाँ करी. स्टूडेंट्स गलती यहाँ करते हैं दैट व्हेन दे आर गिवन देयर आंसर शीट्स दे नेवर एनालाइज देयर मिस्टेक्स. आप वही करते आ रहे हो और वही रिजल्ट मिलता जा रहा है. वही करते रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो मिल रहा है. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द रिजल्ट यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले जब भी आंसर शीट्स मिलती है आप टीचर्स को अपने जो रेगुलर टेस्ट देते हैं चेक करिए गलतियां कहाँ हैं. यू नीड टू प्ले स्मार्ट. आप अगर एक राइटर के बारे में लिख रहे हैं या एक सपोज एक कोई टेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस, उसके बारे में आप एक 20 मार्क्स आंसर ड्राफ्ट कर रहे हैं. प्रॉब्लम यहाँ आती है स्टूडेंट्स को कि गाइड बुक्स मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है. वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो गाइड बुक से पढ़ के लिखाते हैं, नंबर्स नहीं आते. फिर वो बोलते हैं यार हमने तो इतना याद किया, इतनी क्वांटिटी में पढ़ा, कुछ हुआ नहीं. देखिए समझिए, क्वांटिटी इज नेवर इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट. 6-7 पेजेस में आप क्या लिख रहे हैं. अगर आप वर्जीनिया वुल्फ की कुछ लाइंस कोट करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ के और प्लेज हैं और नॉवेल्स हैं, आप अगर ओरोनोको हो गया आफ्रा बेन का, या फिर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्जीनिया वुल्फ वर्क देन मिसिज डैलोवे हो गया, इनसे आप जब लाइन्स कोट करते हैं तो दैट शोकेसेस कि आपने बियॉन्ड द टेक्स्ट कुछ पढ़ा है. एंड दैट इज हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू सी दैट यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर स्टूडेंट. सब गाइड से लिख रहे हैं, आप भी गाइड से लिखेंगे तो आपको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं. सो प्ले स्मार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अपने नोट्स बनाइए. आजकल इतना सारा मटेरियल इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, वेरी गुड मटेरियल. आई एम टेलिंग यू, गाइड बुक्स में आपको इतना अजीब सा मटेरियल मिलता है. समटाइम्स यू नो माई फ्रेंड्स यूज टू टेल मी दैट इस गाइड से मैंने ये पढ़ा. एंड व्हेन आई यूज टू रीड दोज आर्टिकल्स आई यूज टू फील ओ माई गॉड, ये तो बेइज्जती कर रहे हैं इस राइटर की यार, मतलब क्या लिख रहे हैं ये. और वहीं पे आप इंटरनेट पे अच्छे स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़िए. यू जस्ट नीड टू कॉपी फ्यू गुड लाइंस, पेस्ट इट, मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को रेफर करके एग्जाम में पढ़िए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑन माय यूट्यूब चैनल आई हैव पोस्टेड अ फ्यू वीडियोस ऑन हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर बैचलर्स एंड मास्टर्स. सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली ये सवाल करते थे कि कैसे पढ़ें, क्या करें. एंड आई हैव बीन अ टॉपर इन माई ग्रेजुएशन एज वेल एज इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन. सो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिस हिसाब से मैं आंसर्स लिखती थी. एंड आई यूज टू ऑलवेज गेट गुड मार्क्स. जहाँ पे सबको 40-50 मिल रहा है, यूज टू स्कोर 70. ऐसा नहीं था आई वॉज वर्किंग लाइक 24/7, मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, बट आई वॉज यूजिंग स्मार्ट स्ट्रैटेजी. हम सब ने वो बचपन में क्रो वाली कहानी पढ़ी है कि वो पेबल्स डाल के पानी के ऊपर लाता है. वॉट इज दैट? दैट वॉज द फर्स्ट स्टोरी आई थिंक वी वर टॉट, एंड दैट स्टोरी टीचर्स अ स्मार्ट वर्क. अब वो क्रो यहाँ वहाँ भटकता कि मैं और कहीं से पानी लेके आऊँ, उसको सामने दिख रहा है. ही जस्ट नीड टू यूज हिज ब्रेन कि इस पानी को मैं कैसे यूज करूँ, कैसे अपने तक पहुँचाऊँ. That is important. Yeah. As you said earlier, that opting an occupation in this field, so you should do something that every morning you feel motivated to go to your job. That when you take up a career and you start
working day in and day out. You can please have a seat. Yeah. So you start working day in and day out. There would be times जैसे writer's block नहीं होता. Writer loves to write, right? But ऐसे phases आते हैं उसकी life में when he doesn't feel like picking up the pen. My favorite writer is Amish Tripathi, and he was writing a book on Ravan. Okay, the third series in the Ramchandra series, the third book in the series. So काफी time से आई नहीं थी. I was just following him on Twitter, and I saw that उसने लिखा कि मेरे को 6 महीने से I cannot write. Like मैं ऐसा हूँ कि मैं रोज सुबह उठता हूँ and words flow. But for this period of 6 months, I was not able to write at all. So this is going to come in everyone's life. But the case is that जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, जब मेरे से कोई स्टूडेंट पूछता है कि मैम ड्राइडन ने ऐसा बोला प्लेटो के बारे में, बट प्लेटो ने तो ये बोला था, लाइक ये तो कन्फ्यूजन हो रहा है. एंड व्हेन आई रिसर्च मोर ऑन ड्राइडन, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन हिज एसे, आई फील गुड दैट ओह आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू. ये सेम चीज़ आपको मोनोटनी ब्रेक करने में मदद करती है, बिकॉज लाइफ है. एज टीचर्स ऑल्सो, यू कैन आस्क योर फेलो टीचर्स, यू कैन आस्क योर सीनियर्स, सब ये बताएंगे कि टीचर्स को भी रोज कुछ नया सीखने को मिलता है. एंड व्हेन दे डिस्कवर न्यू थिंग्स, दैट इज हाउ दे ब्रेक द मोनोटनी. एंड हर बार जब आप किसी को पढ़ाते हैं एंड दैट स्टूडेंट अप्रिशिएट्स यू एंड सेज दैट मैम आज आपने जो पढ़ाया ना, आई फेल इन लव विद दिस कैरेक्टर, आई फेल इन लव विद किंग लियर, आई स्टिल रिमेंबर रंजीत मैम वॉज टीचिंग अस मैनफील्ड पार्क एंड हम इतना मजा कर रहे हैं क्लास में. मतलब फैनी से मुझे प्यार हो गया था कि यार, मतलब आई वॉज अ गर्ल हु नेवर लाइक फीमेल कैरेक्टर्स. आई वॉज लाइक क्या है, रोती धोती रहती है. विक्टोरियन एज की तो सारी फीमेल कैरेक्टर्स को आप देख लो, बहुत कम है जिनको दिखाया गया है कि उन्होंने अपना स्टैंड लिया. आई वॉज ऑलवेज लाइक यार ये खुद रोती हैं और फिर बोलती है आदमियों ने अत्याचार किया, लाइक तुम खुद के लिए खड़े हो. बट देन व्हेन यू लुक एट कैरेक्टर्स लाइक फैनी प्राइस एंड व्हेन यू नो यू हैव टीचर्स लाइक रंजीत मैम जो आपको समझाते हैं, रितु मैम ने किंग लियर पढ़ाया था, ओ माई गॉड किंग लियर एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप को नफरत होती है कि यार ये क्या पागल इंसान है, मतलब ये सिर्फ अपनी बढ़ाई चाह रहा है, अपनी इतनी अच्छी बेटी को बाहर निकाल दिया. बट देन व्हेन रितु मैम वाज टीचिंग अस कि कैसे उस कैरेक्टर को समझो, वो कैसे बारिश में तूफान में उस स्कूल के साथ में खड़ा है, उसका क्या पोजिशन है एंड वो कैसे अपनी गलतियाँ मान रहा है, यू फील पिटी फॉर दैट कैरेक्टर. सो ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं, हर बार आप कोई नया टेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका एक अच्छा इंसाइट आपका दिन बना देता है. यू फील सो गुड when students call me and say कि मैम आपने जो literary theory पढ़ाया बहुत मज़ा आया एंड ऐसा समझ में आया जैसा अभी तक नहीं आया था. दैट सिंपल मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट अ टीचर कैन हैव. सो आई थिंक दैट कैन आंसर, बिकॉज एक CA या इंजीनियर है वो जब अपना कुछ नया कुछ क्रिएट करता है, एक आर्किटेक्ट है वो अपनी बिल्डिंग जब बनाता है तो वो जब अपने इसको देखता है, क्रिएशन को देखता है, he feels like wow man I've done something really good. वो सेम चीज एक टीचर के साथ होती है, दैट हैपेंस विद एवरी प्रोफेशन. या एनी मोर क्वेश्चंस, यू कैन सिट डाउन प्लीज. सो व्हाट हैपेंड वाज जस्ट द वे यू सेड, माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर दे बोथ आर लाइक बुक लवर्स. सो मेरी जो बचपन की मेमोरीज है वो ये है कि मेरे फादर ऑफिस से आते थे एंड यूज टू हैव दैट शर्लक होम्स का पूरा कलेक्शन स्टोरीज का, एंड यूज टू रीड दैट. एंड आई वाज लाइक वेरी स्मॉल, फोर्थ स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में. सो मैं पढ़ने की कोशिश करती थी बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी. ओके क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज इट वॉज अनअब्रिज्ड वर्जन. नाउ वट हैपन्ड वॉज दैट धीरे धीरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आई मेट सम फैंटास्टिक टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स जिन्होंने इंस्पायर किया. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई चेंज माई स्कूल, द फर्स्ट क्लास वॉज ऑफ इंग्लिश टीचर एंड शी वॉज टीचिंग अस डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड आई डोंट नो, आई स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर रीडिंग दैट पोएट्री, दैट माई गॉड इफ दिस मैन वुड हैव बीन अलाइव आई वुड हैव मैरिड दिस मैन. प्लस सच ब्यूटी, माई गॉड ही इज टॉकिंग अबाउट a daffodil sight in such a beautiful manner. Just like sir said that, you know, heard memories are sweet, unheard are sweeter. All these lines from literature, happy families are all alike, unhappy families are unhappy in its own way, Leo Tolstoy. When you read these lines, you're like, oh my God, in these 5-6 words, they put so much wisdom. So, ye hua, then 10th mein I became the president of literary club. So, I got the opportunity to conduct a few group discussions and book readings and all that stuff. देन 11th में आई बिकेम द कैप्टन ऑफ माई हाउस. मैंने मेरे कैप्टन बनने के बाद भी मेरे पूरा जो थीम बोर्ड वगैरह बनता था उसमें भी सब लिटरेचर राइटर्स ही चल रहे हैं, पूरा स्कूल एकदम लिटरेचर से भर गया है, ऐसा वाला हालत था. 12th में आई बिकेम द हेड गर्ल. तब मैंने बहुत सारे डिबेट्स में पार्ट लिया. जब डिबेट्स में पार्ट लिया तो आई यूज टू रिसर्च, कोई भी डिबेट में आपको बोलना है यू हैव टू कोट दीज गुड राइटर्स सो दैट योर डिबेट लुक्स इंप्रेसिव. तब मैं जब पढ़ रही हूँ इन लाइनों को, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ओ माई गॉड, आई एम लाइक क्या यार क्या बात बोल दी. सो ये सारी चीज़ कनेक्ट होते गए.
देन फाइनली आई डिसाइडेड कि कॉमर्स में तो इंटरेस्ट नहीं है, लेट मी चूज इंग्लिश. उस टाइम आई वॉज नॉट श्योर द डिलेमा दैट यू आर गोइंग थ्रू, इवन आई वॉज गोइंग थ्रू. देन वॉट हैपेंड वॉज दैट आई वॉच्ड अ स्पीच ऑफ स्टीव जॉब्स. उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो ग्रेजुएशन डे था उस पर एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है. उस स्पीच में स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आज मैं अपनी लाइफ को जब फ्लैशबैक में देखता हूँ तो आई कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड आई कैन नो कि हर लाइफ के एक फेलियर, हर एक अच्छी चीज़ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है जो आज मैं हूँ. स्टीव जॉब्स के बारे में हम सब जानते हैं, उनसे एप्पल छीन लिया गया, देन अगैन ही डेवलप्ड अनदर कंपनी विच परचेज्ड एप्पल. ओके, सो इफ यू लुक एट हिज जर्नी यू विल फाइंड आउट दैट कनेक्टिंग द डॉट्स इज इम्पॉर्टेंट. आप अपनी लाइफ में भी देखिए कि जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक घटी है, क्या कहीं ना कहीं उन सब घटनाओं ने आपको इंग्लिश की तरफ मोड़ा है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिल रही है कि आप इंग्लिश के और नज़दीक पहुंचते गए, आपको उन राइटर्स से प्यार होता गया. एंड दैट इज हाउ सी ट्रायल एंड एरर व्हाई वी आर हैविंग सो मेनी डेटिंग एप्स दीज डेज, टिंडर एंड एवरीथिंग, कि आप लोगों से मिलो, जान पहचान करो, यू टॉक टू देम, यू सी कि क्या वेवलेंथ मैच हो रही है, फिर जिससे हो रही है उससे यू टेक योर रिलेशनशिप फॉरवर्ड. करियर इज विथ लाइक इज लाइक दैट कि आप अलग अलग करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो एंड देन सी कहाँ पे आपको मजा आ रहा है, क्या काम करके आपको लग रहा है. लाइक दिस बॉय हु इज प्लेइंग वायलिन, यू कैन सी दैट ही इज पैशनेट अबाउट इट, तभी इतना फैंटास्टिक पीस बाहर आया. आज मुझे वायलिन दे दो मैं तो मतलब क्या ही कर दूंगी उस वायलिन का, कुछ तो हो ही जाएगा, मतलब वो तार टूट जाएंगे या क्या हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव दैट लव फॉर म्यूजिक. बट देन गिव मी अ गुड बुक, आई कैन रीड इट एंड आई कैन analyze it in a very different way and I can put forward in front of you in a way that you start loving that book. That's the job of teacher. Karke dekhiye, agar aapko lag raha hai aap ek book kisi ko samjhate hain and that person is into that book totally, jaise Game of Thrones ke seasons mein hota hai, aapne ek episode dekha, next dekha and you can't stop. Ye cheez agar aap apne aap mein dekh pa rahe hain, so I think that's the right choice.